हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एब्सोल्यूट हेल्थ पर, और मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रोज़ एक नया योगासन सीख रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, कैसे अच्छा कर सकते हैं उसके हर एक बॉडी पार्ट के बारे में अपन जान रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि ऐसे ही आप जो है ना सीखते रहें योगा और घर पर करते रहे और जो है ना इस चीज़ का लाभ ले सके, तो एक काम करिए, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे का निशान है उसको दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ मिलते रहे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग क्या सीख रहे हैं। दोस्तों, आज जो हम लोग सीख रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। जो बड़ा फायदा ये है कि जो पेट का जो आसपास का जो भी एरिया होता है उसको बिल्कुल क्लीन कर देता है, यानी कि अगर आपको एक्स्ट्रा फेट या पेट अटकता है उसको सही कर देगा। आपका खाना पछतानी कब्ज वगैरह तो वो भी उसको भी सही कर देगा। उसके अलावा अगर आपका दिल या फेफड़े कमज़ोर है, हार्ट या लंग्स की प्रॉब्लम है तो वो भी इसको सही कर देगा। और हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन ओपन नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आएगा। तो क्या है, मैं आपका नाम बताता हूँ, उस आसन का नाम है मेरु वक्रासना, और ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। तो इसको हम लोग यही बोल सकते हैं कि गतिमय मेरु वक्रासना। तो ये काम करते हैं, पहले हमको सीख लेते हैं कैसे करना है, प्रॉपर ब्रीदिंग के कैसे करना है वो सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग और बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। लेकिन एक काम करिए, कोई भी पार्ट जो मिस मत करिए, अभी से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो फिर बाद में और बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तो अभी पहले क्या करते हैं, जो इसका पहला जो पोजिशन है जो बैठने का, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, आपको दोनों पाँव सामने की तरफ ऐसे रखना है, ठीक है, और थोड़ा सा वाइड योगा मैट जो है उसके बाहर की तरफ, यानी ऑलमोस्ट ये जो 1 से 1.5 फीट के आसपास दोनों बीच में गैप रख लीजिए, पूरा बैक स्ट्रेट रखेंगे ऐसे, हाथ अभी यहाँ सामने रख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो आपका ब्रीदिंग है वो नॉर्मल है, अभी बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग है। और अभी पहले क्या हम लोग लेफ्ट साइड से करते, तो राइट साइड जो है ना उससे अपन लेफ्ट लेग को ऐसे पकड़ेंगे, अगर आप पकड़ पा रहे हो ऐसे। लेकिन ध्यान रखिए इसमें अगर आगे नहीं जाना, देखो ऐसे नहीं करना है, लेग फ्लेक्सिबिलिटी हो लेकिन आपको सिर्फ ऐसे पकड़ना, ताकि कमर जो है ना वो भी ऐसे रहे, कमर को बेंड नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए अभी यही पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्रीद इन करना है और ब्रीद को आउट करते हैं, ये वाले हाथ को पीछे लेके जाना है, यानी इसको छोड़ना नहीं, ध्यान रखिए इसको हाथ को छोड़ना नहीं है और पीछे की तरफ लेके जाना है ये वाले हाथ को। तो ये अपने हाथ दोनों ऐसे हो जाएंगे, लेकिन बॉडी का जो है ना फेस मेरा उधर हो जाएगा और ये पोर्शन इधर आएगा, तो ये पूरा का पूरा मेरा मुड़ जाएगा। देख लीजिए एक बार, पहले ये साइड से करता हूँ फिर मैं इधर से भी करूँगा। तो पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ब्रीद इन, और अभी हाथ को यहाँ से ब्रीद आउट करते हुए ये, और यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड बस, फिर से ब्रीदिंग करते रहेंगे एंड ब्रीद आउट करेंगे। ये इधर से किया, आपको ये साइड से कम 5 से 10 बार करना है। मैं आपको ठीक है 2 बार करके दिखाता हूँ, एक बार और करते हैं ब्रीद नॉर्मल। अभी पहले ब्रीद इन किया एंड हाथ लेके ब्रीद आउट करते हुए, और हाथ सीधा रखना, देखो ऐसे नहीं करना है, ओपन से नहीं करना, सीधा रखना, ठीक है। और फिर से ब्रीद इन करते हुए एंड ब्रीद आउट। और इधर से देखा, अभी ये साइड करके दिखाता हूँ मैं आपको, ब्रीद नॉर्मल, ये पकड़ा, अभी ब्रीद इन किया और ये हाथ को यहाँ से ब्रीद आउट करते हुए, ये पूरा प्रेशर मेरा यहाँ पर आ रहा है, ये वाले पोर्शन जो पेट वाला पोर्शन उस पर आ रहा है और शोल्डर पर भी आ रहा है, ब्रीद आउट है यहाँ पर भी। फिर से ब्रीदिंग करते आएंगे एंड ब्रीद आउट, एक बार फिर से करेंगे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड फिर से ब्रीद आउट करते हुए एंड ब्रीद आउट। तो ये हो गया अपना गतिमय मेरु वक्रासन, बैठ के करते हैं अपने इसको। ये लेट के भी होता है, लेकिन लेट की दूसरा वेरिएशन है उसका, हम लोग वो बाद में करेंगे। अभी आपने सीखा ये बैठने वाला। अभी मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम 5 से 10 बार आपको एक साइड से करना है, यानी अगर 5 से 10 बार आप राइट साइड से कर रहे हैं, मान लो 7 बार आपने राइट साइड से किया, तो 7 ही बार आपको लेफ्ट साइड से भी करना है, दोनों साइड से इक्वल करना है तभी इसका। ऐसा नहीं कि आपने एक बार से ज़्यादा कर लिया उस साइड से 3-4 बार ही किया, ऐसा नहीं करना, दोनों बार दोनों साइड से इक्वली करना है। अब इसके फ़ायदे, जैसे कि मैंने आपको फ़ायदे बताए इसके, अगर आपने करके देखा अभी आपको आइडिया होगा अगर सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर आता है, सारा का सारा प्रेशर अपना पेट के आसपास का आता है। तो जिन लोगों को जो ना वेट लूज़ करना है, कि उनको कि पेट का एक्स्ट्रा चर्बी है वो, भले ये सेंटर वाला हो या साइड वाला हो, ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत सही है, यानी एक आसन से आप फ्रंट और साइड दोनों फेट निकाल सकते हैं। उसके अलावा जिन्हें खाना पचता नहीं है, जो है ना पेट हमेशा ऐसे मोटा मोटा सा रहता है, भारी भारी सा डकारे वगैरह आते, खट्टी डकारे वगैरह आती रहती है, उसके लिए भी ये बहुत सही, जो एक्स्ट्रा गैस होती है उसको भी ये निकाल देता है। उसके अलावा ये हो गया, जो जिनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता है, कब्ज़ बहुत होता है, उसको भी
सही करता है और जो पेट की जो मसल्स है उनको इम्प्रूव करता है। अगर वीक मसल्स है बहुत जल्दी कुछ ना समय निकल जाता है तो उसको भी ये सही करता है। उसके अलावा जब पूरा एक बात है तो पूरा ये चेस्ट जो पार्ट है इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो जिनका जो वीक हार्ट है या जो जो अपने फेफड़े जो लंग्स जो है अगर वो वीक है तो उनको ये स्ट्रॉन्ग करता है। और आपको ध्यान रखिए आप जब ये लेके जा रहे थे आप वहाँ पर ब्रीथ नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप वहाँ पर ब्रीथ आउट करके होल्ड करिए, क्योंकि वो होल्ड करेंगे ना तो आपका जो लंग्स का कैपेसिटी बढ़ेगा तो जो भी टॉक्सिन होगा ना वो भी निकल जाएगा। टॉक्सिन जो होता है हम लोग जैसे कि सिगरेट पीते हैं या कोई और नशा करते हैं उससे जो अपना जो फेफड़े है वो धीरे ख़राब होना चालू हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को सही करने के लिए होल्ड करके रखिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये हो गया। उसके अलावा आपका जो शोल्डर मसल्स है जब आप पूरा जाते हैं तो ये पूरा शोल्डर मसल आपको खींचता है तो ये इसको स्ट्रेंथ देता है। अगर यहाँ पे जो किसी का यहाँ से लटकता है तो उसको भी ये सही करता है। तो ये तो हो गया इसके फ़ायदे। अभी किसको नहीं करना, देखो मोस्टली हर आदमी कर सकता है, लेकिन हाँ जिसका अगर बैक का ज़्यादा इश्यू है तो वो उसको अवॉइड करें, बाकी सारे लोग इसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आज का गति में मेरु वक्रासन। अभी आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक काम करिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो नीचे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आपको लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम मेरा ये बीमारी इसके ऊपर मुझे कुछ बनाना है तो आप वो चीज़ है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, मैं उसको भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।